अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 News 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। आज दस्तगीर नगर चंद्रायन गुट्टा के इलाके में बस्ती दवाखाना हॉस्पिटल का एक साल होने पर एरिया के AIMIM लीडर सैयद सुभान और वहां की आवाम ने आज खुशी का इजहार करते हुए डॉक्टर अमरुलता लाक्षी मेडिकल ऑफिसर की गुलपोशी की और उनका शुक्रिया अदा किया कि ये हॉस्पिटल से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ पर हर मरीज को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। अवाम ने चंद्रायन गुट्टा MLA जनाब अकबरुद्दीन अवेसी साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चंद्रायन गुट्टा के हलके में ऐसा और एक बस्ती दवाखाना हॉस्पिटल होना चाहिए बोलकर अकबरुद्दीन अवेसी साहब से अपील की। इस मौके पर MM रहमान, मोहम्मद मंसूर अहमद, मोहम्मद अली, मोहम्मद इस्माइल और दीगर लोग भी मौजूद थे। आइए ना तफसीली रिपोर्ट। 10 News 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अली जनाब मोहतरम मकाम अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज से एक साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह दस्तगीर नगर में बस्ती दवाखाना अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना रोज़ाना तकरीबन 200 से 250 तक जो है ना मरीज़ आ रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती दवाखाना दस्तगीर नगर में है, सराउंडिंग राजीव गांधी नगर, रहमत कॉलोनी, इंदिरा नगर, हाशिमाबाद, पटेल नगर, रहमत कॉलोनी, बंडलागुड़ा के सब लोग अपने जहर इलाज आके यहाँ पे कराते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। खुशी तौर पे हम हमारे सदर मोहतरम बारिस्टर असरुद्दीन साहब का शुक्रिया सह दिल से शुक्रिया करते हैं कि पूरे बस्ती वाले और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फिर हमारे मोहतरम मकाम अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी सह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे चंद्रागुट्टा कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं ताकि हमारे बस्ती में दवाखाना सक्सेसफुल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बस्ती के लोग यहाँ पेटली औरतों का भी जो है ना प्रेग्नेंट औरतों का भी जो है ना जहर इलाज चालू है और जो है ना टीके भी डाल रहे हैं और हालात में भी जो है ना कोविड का भी जो है ना टेस्ट करे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर आकर जो है ना यहाँ पर लोग इलाज करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं, सबको इलाज सही हो रहा है और यहाँ के डॉक्टर माधुरी मैडम, अब नए मैडम अमृता लक्ष्मी मैडम भी आए हुए हैं, उनसे जो भी हो सकता है उन्हें भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर जो है ना टाइम के पाबंदी कर आ रहे हैं। हम सब फिर एक बार और तहे दिल से हमारे मोहतरम मकाम अली जनाब अकबरुद्दीन साहब का जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मैं डॉक्टर अमृता लक्ष्मी, मैं SPHO बारकस की हूँ। सो इंदिरानगर बस्ती दवाखाने को आए, इंदिरानगर बस्ती दवाखाने में बहुत अच्छा मुझे वेलकम करे। थैंक्स टू ऑल वंस एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल वंस अगेन। एंड इधर डॉक्टर माधुरी सर्विस करते और PHCP नज़दीक है, डॉक्टर जानसी रानी। इधर का पूरा सर्विस अच्छा चल रहे बोल रहे, लेकिन एक लैब होना बोल रहे, लैब तो जरा मुश्किल से अरेंज करने को रहता। कहीं को बोलते CHCP बारकास में पूरा अपना तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर है, जो है इमरजेंसी पूरा डायग्नोस्टिक के लिए उधर जाना पड़ता, अपन वहाँ से ले लो। अगर प्रिंट होना बोले तो मैं प्रिंटर भी अरेंज करने के मैं बात करते, ये पूरा सबके सामने मैं तो ये वादा कर रहे उसके लिए मैं कोशिश करते मेरे तरफ से। और क्या बात है बोले तो, और ये कोरोना का हर घर घर फिर के हाउस टू हाउस सर्विस करके पूरा लोगों को वैक्सीन डालने का मौका चल रहा, अब हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा। सो उसमें सब खुद ही से बाहर आके प्लीज़ आप ही आके वैक्सीन लेना बोल के मैं सबको रिक्वेस्ट करूँ। सो एक भी छोड़ना नहीं, सब वैक्सीन ले लेके ये कोरोना को अपन भगा देना। सो वैसा पूरा आप आके वैक्सीन लेना है और पूरा मेरे ख्याल से इधर 70% तो हो गया, 70-80%, अभी 20% जरा बच गए। सो वो लोगों का भी अपना लोकल लीडर्स से आपसे सबका हेल्प रखे, वो लोग भी आके पूरा ले ले तो अच्छा है, ले लेना बोल के मैं भी वो भी रिक्वेस्ट करूँ। और वैक्सीन ले बोल के अपन, और भी ये बारिश का मौसम भी है सो वैक्सीन लिए बोल के, नहीं तो वैसा निगलेक्ट नहीं रहना प्लीज़। कभी भी वही डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क रख लेना और सैनिटाइजर से बार बार अपन हाथ धो लेना। सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर से ऐसा हर 10-15 मिनट को, नहीं तो आधा घंटे को हाथ पोंछते जाना। और उसकी थोड़ा ये डाउट्स है वो पूरा डाउट्स निकाल दो प्लीज़। सब मैं हूँ,
मैं दो वैक्सीन ले लिए फिर भी कोरोना आया मुझे, लेकिन जल्दी बच गया मैं भगवान की कृपा से। और नीचे गिर गए समझो, एक हाथ दिए तो जल्दी उठने को जरा हिम्मत रहता, कुछ भी नहीं है तो फिर मुश्किल से उठना पड़ता, वैसा समझ लो प्लीज़ आप लोग। पूरा वैक्सीन लिए तो और अच्छा है। लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है मैडम कि वैक्सीन लिए तो कुछ प्रॉब्लम, इसलिए वैक्सीन लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसकी मई हूँ, सो एग्जांपल मैं दो लिए के बाद भी कोरोना आए तो जल्दी मैं फिर ड्यूटी पे आने को जल्दी रिकवर हो गए। इसलिए आप डाउट्स कुछ ना को प्लीज़, एवरीबडी शुड कम एंड टेक द वैक्सीन। और इधर एवरी डे 200 to 250 तक आते ओ पी, सो मेरा डॉक्टर रेगुलरली इधर 9 to 4 रख के पूरा सर्विस दे रहे, और भी इम्प्रूव करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। पेशेंट्स का बोलना ये है कि मैडम एक्सरे के लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि बोल रहे हैं हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन के लिए, उसके लिए क्या बोलना? तेलंगाना डायग्नोस्टिक है जी, सो तेलंगाना डायग्नोस्टिक में एक्सरे का ईसीजी का प्रेगनेंट स्कैन का पूरा फैसिलिटीज है। प्लीज़ हर जगह पे रखने को उतना मशीन बड़ा नहीं रख सकते, आप ही तेलंगाना डायग्नोस्टिक बार का सी एच सी को आके कर लेना बोल के मैं।